एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं भोपाल से, जहां पे सरकारी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी भोपाल पहुंचे हैं और नीलम पार्क में जमा हुए आउटसोर्स कर्मचारी नियमितीकरण और वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर लामबंद है। 27 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा और 10 सितंबर को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन होगा। नीलम पार्क में आउटसोर्स कर्मचारी एकत्रित हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज को हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश इस पार्क के जरिए की जा रही है। नियमितीकरण और वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर लामबंद। राजधानी भोपाल में आज तमाम आउटसोर्स के कर्मचारी यहां पर नीलम पार्क में जमा हुए और यहां पर अपने कई मांगों को लेकर जो है यहां पर अधिकारों के यहां पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कई मांगों को लेकर आज यहां पर जमा हुए थे, कई ऐसी मांगे हैं, कई डिपार्टमेंट के लोग हैं और आप बड़ी संख्या में देखेंगे यहाँ पर तमाम आउटसोर्स के जो कर्मचारी या आउटसोर्स अधिकार सम्मेलन में यहाँ पर सभी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं, किन वजहों से आज यहाँ पर जो है एकत्रित साथ में हुए थे। सर आपसे जानना चाहूंगी, इतनी बड़ी संख्या में सभी लोग एकत्रित हुए हैं, किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर जमा हुए हैं? मैम ये पूरे चरणबद्ध तरीके से आगामी 1.5 साल से शिवराज सरकार को हम लोग बात कर रहे हैं कि अपनी मांगे हमारी मांगे। हमारी मांगे मुख्य ये है कि जो 18 साल से मामा जी मुख्यमंत्री हैं और उनने कोई संवेदनशीलता दिखाई नहीं। देखिए मध्य प्रदेश के सरकारी सारे सरकारी विभागों में, कोऑपरेटिव में, दुग्ध संघ में, सहकारिता में, आपके CM राइस में, सब जगह 10 से 12 लाख आउटसोर्स कर्मचारी है, जिसे न तो मिनिमम वेज मिलता है न उसका नियमित PF जमा होता है। हम लोगों की ये मांग है कि ये जो आउटसोर्स कल्चर है, जो नौकरियों में बिचौलिए पैदा किए गए, उनको भगाया जाए और जितने भी कर्मचारी हैं उनका उस विभाग में सम्मिलन किया जाए। ये सम्मिलन किया जा सकता है क्योंकि ये सब उस विभाग में रिक्त पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। सरकार कहती है कि हम सीखो कमाओ योजना शुरू करती है, लेकिन सरकार के पास व्यावसायिक शिक्षक अपने नहीं है, वो भी आउटसोर्स है, 20,000 में नौकरी करा रहे हैं, जो व्याख्याता लेवल के हैं। इनके पास में योग की बात करते हैं, योग के शिक्षक नहीं है। इनके पास में वैक्सीन पहुंचाने वाले ABD नहीं है। इनके पास डायल 100 नहीं है। इनके पास एम्बुलेंस नहीं है। सरकार के पास कुछ नहीं है, सारे सरकारी विभाग इन्हें बेच दिए। हम लोग सरकारी विभागों को ठेकेदारों से मुक्त कराने की लड़ाई की आज शुरुआत कर चुके हैं, जिसके 10 सितंबर को हम वापस फिर आने वाले हैं। 10 सितंबर को तमाम जो है आउटसोर्सिंग के कर्मचारी भोपाल पहुंचेंगे। फिलहाल ही देखना होगा कि मांगे कब तक पूरी होंगी और इसी को लेकर जो है पूरी तरीके से यहां पर चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी है। कैमरामैन संजय के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज 24।